हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी डीआईवाई। मेरे पास एक वेस्ट ग्लास बॉटल रखी हुई थी जिसके ऊपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की है, और इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने बॉटल के ऊपर फर्स्ट टाइम ट्राई की है। आई होप कि आपको ये पेंटिंग पसंद आएगी। अगर आपके पास भी इस तरीके की बॉटल है तो आप उसके ऊपर ये पेंटिंग कर सकते हैं, और बॉटल ही क्यों नहीं, आप इसे कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर कैनवास के ऊपर भी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने में ईजी भी होती हैं और इसमें काफ़ी सारे कलर्स का भी यूज़ होता है। तो आई होप कि ये इजी और इंटरेस्टिंग डीआईवाई आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉलोइंग बेल बटन। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल और यूनिक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई वेस्ट ग्लास बॉटल है या फिर आप इस तरीके की पेंटिंग को किसी कैनवास के ऊपर या फिर किसी कार्डबोर्ड पीस के ऊपर भी इजीली कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल थी जिसके ऊपर कुछ इस तरीके के ये चार सरफेस थे, मींस ये बॉटल इस तरीके की स्क्वायर पैटर्न में थी। तो इस बॉटल को देखकर मुझे लगा कि इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की जा सकती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल भी लगेगी। तो सबसे पहले इसके बेस कोट को करने के लिए मैंने व्हाइट एक्रेलिक पेंट लिया है और इसे पूरी तरीके से कवर कर लेना है। बेस कोट को करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। बॉटल का बेस पेंट अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी चारों साइड पर चार एब्स्ट्रैक्ट फेसेस बना लेंगे जो कि बनाने में इजी भी हैं और ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल भी लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी और सिंपल पैटर्न्स रखे हैं। अगर आपको कुछ और वेराइटी चाहिए, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स चाहिए इस तरीके की पेंटिंग के लिए, तो आप पिंटरेस्ट पर भी सर्च कर सकती हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इस तरीके के पेंटिंग्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने भी इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर चारों साइड मैंने चार फेसेस को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इनके ऊपर कलर्स को कर लेंगे। इन्हें करने के लिए मैंने बहुत ही ब्राइट कलर्स का यहाँ पर यूज़ किया है जिससे कि ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। इस तरीके की बॉटल आप एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकती हैं या फिर बनाकर किसी को गिफ्ट भी दे सकती हैं, या फिर आप इसमें अपना कोई भी वाटर प्लांट लगाकर अपनी बालकनी में इसे हैंग भी कर सकती हैं जिससे कि ये किसी भी कॉर्नर में बहुत सारे कलर्स को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, इन फेसेस इस पर हमें ये ब्यूटीफुल से कलर्स को कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके की बॉटल पर ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया। आई होप कि आप भी जब इसे देखेंगी तो आप भी इसे उतना ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगी।
इन सभी फेसेस को बनाने के बाद हमने जो इनमें शेप्स बनाए हैं उन सभी की हमें आउटलाइनिंग कर लेनी है ब्लैक कलर के साथ, जिससे कि ये सभी काफ़ी अच्छी तरीके से उठकर दिखेंगे। इस तरीके की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होती हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसा मेथड फॉलो नहीं करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन पेंटिंग्स को कम्प्लीट किया है और लास्ट में इसे फाइनल लुक देने के लिए मैंने इस तरीके की कॉटन में वाइट, ब्लैक और गोल्डन कलर लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा डैब डैब कर दिया है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा एंटिक लुक आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा इस बॉटल को। और लास्ट में चूंकि ये बॉटल स्क्वायर पैटर्न में थी तो इसकी बाउंड्रीज पर मैंने ग्रेश पैटर्न से इस तरीके की बाउंड्रीज बना ली हैं, जिससे कि ये एक पोर्शन सा बन गया है इन चारों फेसेस के बीच में। और फ्रेंड्स देखिए रेडी हमारी ये ब्यूटीफुल सी एंटिक एब्स्ट्रैक्ट बॉटल। फ्रेंड्स अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का ये DIY पसंद आया हो तो आपके पास भी अगर कोई वेस्ट बॉटल पड़ी हो तो इस पेंटिंग को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। और अगर आपने ये DIY एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मेरे एक और ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।